गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो द लॉर्ड्स पोएम हमने पढ़ी थी उसके एग्जाम में जो हमारे आरबीएसई पैटर्न में एक्सप्लेनेशन जो आता है, वैसे हमने जो पोएम पहले पढ़ी है उन सब का एक्सप्लेनेशन भी हम करते आ रहे हैं। तो उसका जो लिखने का तरीका होता है, जो मेन बातें हमें याद रखनी होती है, वो सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में मेनली जैसा कि यहाँ हमने लिखा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन सब पोएम में फिक्स रहती है। ये इतना जो इसका जो फॉर्मेट है ये फिक्स ही रहता है सब पोएम के लिए, हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, पहले भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। उसके बाद में जो पोएम स्टेंजा में हमने लाइन्स को पहचान करके जो पोएम का हमने पता लगाया कि ये इस पोएम से आया हुआ है, उस पोएम का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी पोएम है? द लॉर्ड्स। तो हमने लिख दिया These lines have been taken from the poem The Lords. अब ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये तोरुदत्त के द्वारा लिखी गई है। तो हमें लिखना है The Lords composed by तोरुदत्त। यहाँ तक हमने रेफरेंस में ये लाइन लिख दी। These lines have been taken from the poem The Lords composed by तोरुदत्त। इसके बाद में रेफरेंस के बाद में आता है कॉन्टेक्स्ट। क्या आता है? कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में हमें दी हुई जो पोएम है या जो हमने स्टेंजा जो पढ़ा है उसमें जो मेन थीम है उसको यहाँ लिखना होता है, उसका सारांश या जिस्ट यहाँ लिखना होता है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट में लिखा दीज लाइन्स डिस्क्राइब द लव्ड डिजायर टू गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द राइवलरी ऑफ द लीली एंड द रोज, और लीली और रोज का जो निकट प्रतिद्वंदी हो, राइवलरी हो, उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे यहाँ वर्णन किया गया है। लव की जो डिजायर है कि सबसे अच्छा फ्लावर और जो लीली और रोज का राइवलरी हो, टू गेट द टाइटल ऑफ द बेस्ट फ्लावर, जिसे सबसे अच्छे फूल का टाइटल दिया जा सके, ये हमने पढ़ा है कॉन्टेक्स्ट में। तो रेफरेंस हमने लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। फिर क्या करना होता है? एक्सप्लेनेशन में हमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो या जो बुक में अपना जो द लॉर्ड्स है ये पेज नंबर 149 पे है, तो यहाँ लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लोअर दैट वुड ऑफ फ्लोअर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन द लीली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। यहाँ तक जो ये फर्स्ट स्टेंजा है और ये एग्जाम में पहले कई बार आया हुआ है, तो हम इस स्टेंजा को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने पहले रेफरेंस लिखा है, बाद में लिखा है कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद में आता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आरबीएसई का एग्जाम है उसमें दो इस प्रकार के जो स्टेंजा हमें मिलेंगे और दोनों में से हमें कोई एक करना होता है, वन आउट ऑफ टू का हमारा पैटर्न रहता है। तो या फिर हम जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन में ना तो हमें मन से कुछ जोड़ना है और ना जो दिया हुआ उसमें से कुछ हटाना है, बिल्कुल हमें ग्रामेटिकली अच्छी तरीके से स्टेंजा को समझकर एक्सप्लेन करना है। तो पहली लाइन जनरली यही होता है कि द पोएट सेज, ठीक है, यहां से हम शुरू करते हैं
द पोइट सेज दैट वंस लव, और लव कौन था, जिसे हम द गॉड ऑफ लव कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए एल को कैपिटल किया गया है। लव केम टू फ्लोरा, और फ्लोरा कौन है, द गॉडेस ऑफ फ्लोवर्स एंड स्प्रिंग, जो लव है वो फ्लोरा के पास आया एंड आस्क फॉर सच अ फ्लोवर दैट शुड अनडाउटली बी द मोस्ट ब्यूटीफुल और द बेस्ट फ्लोवर। लव है वो फ्लोरा के पास आया ये पूछने के लिए कि ऐसे फूल की उसे जरूरत है या ऐसा फूल उसे निसंदेह रूप से उसके बारे में बताया जाए जो सबसे सुंदर हो। सिंस द डिस्प्यूट स्टार्टेड, उससे और उस बात से ही ये डिस्प्यूट या ये झगड़ा ये स्ट्राइफ शुरू हो गया। स्ट्राइफ वर्ड हमने पढ़ा था पहले कि स्ट्राइफ और स्ट्राइफ का सिमिलर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा या लड़ाई, और डिस्प्यूट का मतलब भी लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद के लिए ये वर्ड यूज होता है। डिस्प्यूट स्टार्टेड द लीली फ्लोवर एंड द रोज फ्लोवर हैड बीन राइवल्स टू गेट द टाइटल ऑफ द बेस्ट फ्लोवर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमने पूरा जो इसका एक्सप्लेन इस प्रकार से किया है कि जो लव कवित्री ये कहती है कि लव किसके पास आया, फ्लोरा के पास आया, कि उसे एक निसंदेह रूप से ऐसा सुंदर फूल चाहिए जो सबसे सुंदर हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लोवर के बारे में वो जानना चाहता था। सच ए फ्लोवर दैट शुड अनडाउटली बी द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लोवर, और इससे ही झगड़ा शुरू हो गया। अब जो आगे जो स्टेंजा है उसमें लास्ट में हमने पढ़ा है कि कौन से फूल को जगह मिली, द लोट्स को, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो गया, हमने रेफरेंस से शुरू किया, कॉन्टेक्स्ट लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, ठीक है। यही मेथड हमारे पोएम में रहता है कि हम रेफरेंस लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो ये जो चार लाइन है ये स्टेंजा के रूप में कई बार अपने एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो हमें मुख्य बात जो याद करनी है वो ये कि एक तो आप पोएम का टाइटल याद रखें। हमारे दसवीं के जो सिलेबस में केवल चार ही पोएम है, ठीक है ना, तो ज़्यादा है भी नहीं, चार पोएम अच्छी तरीके से उनकी लाइन्स को आप दिमाग में रखें, पढ़ लें, ताकि स्टेंजा देखने पर हमें अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सी पोएम है। उसके बाद में पोएम का टाइटल याद आ जाएगा और टाइटल के साथ में उसका कंपोजर कौन है, पोएट कौन है या राइटर कौन है, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चार नंबर पाने के लिए इतना काम हमें करना होगा, और ये चार नंबर बड़े ही आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मेथड में आपको लिखना है और याद रखना है हमें पोएम का टाइटल और कंपोजर का नाम याद होना चाहिए, फिर तो अपन स्टेंजा की मदद से हम उसे जनरल ग्रामर में और थीम के आधार पर हमें इसे लिखना होता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेंजा हमने डिस्कस किया, द लोट्स का पहला स्टेंजा। एग्जाम में ये सेम अपने आरबीसी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तोरुदत्त का जो राइटिंग है तोरुदत्त की, उसमें से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले हमने दो पोएम डिस्कस कर दी है, ये तीसरी अपनी पोएम है। नंबर वन पे हमने रिस्क
जो जेनेट रैंड की थी। नंबर सेकंड पे माय गुड राइट हैंड जो चार्ल्स मैके की थी, और नंबर थर्ड पर द लॉर्ड्स ये तोबुदत की लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट फीड में या नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।